संजू वर्मा जी वो कह रहे हैं व्यक्तिगत विजिट है, कोई भी कर सकता है, और अगर व्यक्तिगत विजिट है तो इस पर राजनीतिक सवाल क्यों क्यों कहा जा रहा है कि राहुल आपकी पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं कि राहुल एक बार फिर वापस विदेश चले गए, उनकी छुट्टी खत्म हो गई, गिरिराज सिंह जी का ट्वीट है। अभी मैंने तहसीन पूनावाला की बात बड़े धैर्य से सुनी और मैं चाहूंगी कि जब मैं बोलूं तो कोई दखलंदाजी ना करे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं दीपक जी, आपके दर्शकों के सामने मैं ये कहना चाहती हूं कि बात सिर्फ जो राहुल गांधी कल निकल गए इटली के लिए, बात वहां तक सीमित नहीं है। मैं डेटा खोल के बैठी हुई हूं, 2014 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी का पार्लियामेंट सेशन का अटेंडेंस है सिर्फ 52%, 52%, नेशनल एवरेज है 80%। दूसरी बात, आपको इतनी इमरजेंसी थी कि कांग्रेस पार्टी के 136वें फाउंडेशन डे से पहले आप गायब हो गए। चलिए आपकी नानी बीमार थी, मान लिया, हम इस पर ओछी राजनीति नहीं करेंगे, पर आप अपनी ओछी हरकतों से बाज कब आएंगे? बिहार में मुंह की हार खाने के बाद आप कह रहे थे 70 सीटों से 50 सीटें जीतेंगे, आपके सुरजेवाला जी ने कहा था, आप तो 19 सीटें जीत कर आए, और उसके बाद क्या किया राहुल गांधी ने? जैसलमेर चले गए वेकेशन मनाने। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? दीपावली मनाई जैसलमेर में हमारे वीर जवानों के साथ। यह है अंतर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। और जहां तक हिरण जोशी जी का सवाल है तो तहसीन पूनावाला जी, हिरण जोशी जी के बारे में तो बात करने की आपकी औकात ही नहीं है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो, चाहे लॉयल्टी फैक्टर हो, चाहे काम करने की क्षमता हो। तो आप अपना बयान प्लीज थोड़ा सोच समझ कर दीजिए।